हो रही है थी? हाँ सर, कुछ पॉइंट से अगर आप एक बार और फिर से डिस्कस कर देते तो अच्छा होता। क्या आपकी वॉइस नहीं आ रही? दोबारा बोलूं? कुछ दो तीन टॉपिक है, अगर फिर से एक बार बोल देते तो अच्छा होता। हेलो, सोहिनी टॉपिक बताइए। आवाज आ रही है? अरे नहीं आया। सो अंकिता, योर क्वेश्चन आपसे करते हैं, ठीक है? तो आपका ये वाला क्वेश्चन था, वाटर पोल्यूशन का क्वेश्चन है। मैंने करवाया था कि पैरामीटर्स दे रखे हैं, सेटिंग सेंटीमीटर, डेप्थ 0.5 मीटर, एवरेज डिटेंशन टाइम, मतलब वाटर में कितने देर तक स्टोर करके रहेगा, ठीक है? उसको कहते हैं डिटेंशन, कि वाटर किसी भी टैंक में कितनी देर तक रहता है उसको कहते हैं एवरेज डिटेंशन, एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज बीइंग ट्रीटेड, ठीक है? तो इसका क्या बताना है, सबसे पहले देखो ऑप्शंस, ऑप्शंस में देखो मीटर क्यूब पर डे, मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम पर टाइम। तो सर आवाज So, उसपे वाटर आ रहा है, टेंशन टाइम है, टू डायमीटर देखा 50 मीटर, रेडियस कितना, 50 बाय, बोर्ड विजिबल है सबको? क्यों क्यों पर डे निकले, मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है? अब सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाय टाइम, लिख सकते हैं एरिया, लिख सकते हैं इन हाइट, मतलब डेप्थ, या मतलब इसकी डेप्थ है बाय टाइम। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाले, तो वो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? तो पाई कितना, 22/7, आर मतलब 25 × 5 इंटू एच कितना है, 2.5, ओके? कितना आया, 3.14 इंटू में 625,
अब हम निकाल रहे हैं मीटर क्यूब, ये निकाल रहे हैं टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टाइम 2 आवर्स। समझ आया अंकिता? करना है मीटर क्यूब पर डे मैंने बताया था, स्क्वायर भी कहते हैं। तो अब फ्लोर रेट वाला क्यू 3.4 इंटू 625 इंटू में 2.5 मीटर क्यूब, तो ये है आवर्स में। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? डे में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो 1/24 डे इज इक्वल टू 1 आवर, तो 2 1/24 डे, ठीक है। नाउ बस आपको क्या करना है, तो ऊपर वाले सॉल्व करो, ये कितना आ गया, तो ये 12 पर चला जाएगा, 3.14 इंटू में 2.5 12, आपका आंसर रहेगा कुछ 5875 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। जब आपको कभी क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं, आपको क्या देख ऑप्शंस देखने, ऑप्शंस आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे क्या क्या ऊपर रखना है और वॉल्यूम रखना है, क्या रखना है, उसको देख के यूनिट आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज मैंने आपको नॉइस पढ़ाया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एस प्रेशर की यूनिट ऊपर रखी है, नीचे दे रखा है, तो आपको अगर आपको फॉर्मूला कभी भूल जाते हो, मंत्र है कि आप अपने यूनिट वाइज देख के आप अपने मतलब जैसे मीटर क्यूब है तो आपको पता लगना चाहिए एरिया इनटू एरिया इनटू, तो जो आंसर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा दे रखा हो, हिसाब से आप गिव लेना और फॉर्मूले में पुट कर देना और अपॉन में डाल देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको कभी भूल जाते हो, राइट। हो गया, समझ आ गया? सो द नेक्स्ट ये वाला जी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी क्वेश्चन है ना सर, इसमें था मतलब इस चैप्टर में था, किस में था, पॉल्यूशन होगा। अच्छा वो डाल देते हैं, पूरी वाली बुकलेट है ना, बट देखो इसमें मैं समझाता हूँ, इकोलॉजी के सब कुछ नहीं है इसमें, इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम कितना दे रखा है, इज इक्वल 10, जनरेशन टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, मतलब हर 30 मिनट्स में होंगे डबल होंगे, तो 4 घंटे बाद बोला है तो डबल करते रहो, थर्टी मिनट्स में क्या होगा, किसमें हो गया, नाउ 40 × 2 = 80, किसमें हो गया, 1.5 घंटे में, ठीक है। ऐसे करते करते 80 × 2 = 160 घंटे में, ठीक है। ऐसे करते जाओगे लास्ट में जो आंसर आएगा आपको वो आएगा × 2, फिर 3 घंटे का × 2, ऐसे करते करते आएगा आंसर बी, करके देख लेना, समझ आएगा। टाइम जो है वो होगा 2 घंटे में कितना होगा सेल्स, हेलो, यस सर, समझ अभी ठीक है,
सोहिनी इसका आंसर बताओ। हाँ सर, एक सेकेंड क्या बोलती हूँ सर, एक सेकेंड देखो, सिंपल से लॉजिक बताया था मैंने, पॉइंट सोर्स के लिए जब डिस्टेंस डबल हो, टेबल कैसे अप्लाई करना है उसका डाउट था, मतलब तो इसमें एक टेबल था ना क्या अंकिता? सर इस क्वेश्चन में टेबल था ना डिस्टेंस को लेके कुछ, इस वाले को इस क्वेश्चन में ये सर L1 माइनस L2 करके 0 1 2 ऐसे कुछ टेबल था ना इसका? को देखो क्या है, पॉइंट फोर्स के लिए पॉइंट सोर्स आपको मैंने बताया था व्हेन डिस्टेंस साउंड बाय स्टेम्स, और सोर्स के लिए व्हेन डिस्टेंस डबल्स साउंड रिड्यूसेस बाय टाइम्स, ओके। क्वेश्चंस पे आते हैं, सो देखो पॉइंट कितना कम हुआ, 6 डेसिमल ना, तो 60 डेसिमल ठीक 10 मीटर के, अब 40 मीटर पे चला गया, मतलब 10 से 20 to 40, तो एक के लिए कितना डेसिमल कम होता है, 6 डेसिमल, तो डबलिंग हो रही है तो कितना 12 डेसिमल, तो 60 माइनस 12 व्हाट विल बोल दीजिए थोड़ा, हेलो टेन से 20 पे जाए तो कितना होगा, रिड्यूसेस 6 डेसिबल ठीक है, 20 से 40 पे जाएगा तो फिर से रिड्यूसेस बाय 6 डेसिबल, तो कितना डेसिबल को कम आएगा, 12 डेसिबल, 60 माइनस 12 आंसर 48 डेसिबल। यस सर, क्वेश्चन पढ़ लो। ESP दे रखा है, कलेक्टर प्लेट दे रखा है, ESP पता है ना क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, कंट्रोल एंड मिटिगेशन टेक्निक्स पे यूज होते हैं ठीक है, और पार्टिकल सेटलमेंट के लिए हम ESP करते हैं राइट, जो पार्टिकल में हमने पढ़ाया था ग्रेविटेशन चैम्बर साइक्लोन
सेपरेटर, फैब्रिक फिल्टर और ईएफई। ठीक है, ईएफई एफिशिएंसी कितनी होती है? 99% और लेस माइक्रोमीटर तक को सेपरेट कर सकता है, राइट। और बट ईएसपी ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? बैगहाउस फिल्टर की। ठीक है, ईएसपी किसकी है? सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स के लिए होता है। ठीक है, सॉलिड एस का डी में ये था कि उसमें हाई वोल्टेज पे क्या हो जाता है? ओब्जेक्शन हो जाता है, मैंने बताया था आपको। और ईएसपी निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, तो होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, याद है? नहीं लिखा। हाँ सर बताओ। W is equal सर वेलोसिटी माइनस क्यू बाई ए एल एन क्या होता है? एरिया मीटर स्क्वायर। डब्ल्यू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एलन क्या होता है? नेचुरल लॉग। और ये क्या है? राइट, लॉग निकाल मैंने बता दिया था, अनकिता पता ही होगा। सो इस क्वेश्चन में इस दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मैंने बताया था कि एलन जो एफिशिएंसी होगी वो तो 96% से होगी, 90% होगी, 99%। तो देखो इस क्वेश्चन का पहले लॉग से देखते हैं। गिवन क्या दे रखा है आपको? 100 मीटर पर सेकेंड, एरिया 500 मीटर, एफिशिएंसी 8%। ठीक है, तो डब्ल्यू -100 5000 एलएन 1 माइनस 0.98, 98% है। समझ आया? तो ये कट गया, कितना आया? माइनस 0.02303 लॉग 0.02। ठीक है, लॉग 0.02 टू को करेंगे माइनस 0.02 इनटू 0.303। अब इसको कह सकते हैं हम log into 10 की पावर माइनस 2, लिख सकते हैं। आगे देखें, क्या समझ आया? क्या बोलो अंकिता? अच्छा, यहाँ तक समझ आया? अंकिता आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। अंकिता यहाँ तक आपको ये नहीं आया? रिपीट करो। अंकिता आप सुन रहे हैं? नहीं सुन पा रहे, समझ नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा था। अभी ठीक है, अब आया? ओके, मतलब यहाँ तक आया आपको? फॉर्मूले पे मैंने डाला है बस। नहीं आया? नहीं ठीक है, फॉर्मूला है समझ में। W is equal to LN minus efficiency। ठीक है, क्यों क्या है यहाँ पे?
एक है एरिया, डब्ल्यू क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं ईएसपी में उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्या है एफिशिएंसी। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ठीक है, एरिया 8% दे रखा है और हम क्या 2.303 लॉग, ये मैंने पता था पहले एलन को हटाने पे 2.303 लॉग आ जाता है कि हमें लॉग को सॉल्व करना है। तो माइनस एलन वन माइनस एफिशिएंसी कितना था 98%, तो 0.98, राइट। तो ये कितना आया, 1/0.02 इंटू 2.303 लॉग 0.02, राइट, 0.02, तो 0.2 को हम लॉग 2 × 10^-2 लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, राइट। देखो 0.02 × 2.303 अब लॉग ए इंटू लग जाएगा, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए लॉग बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉग टू प्लस लॉग 10^, या तो कोई डाउट 2.30 कितना होता है -3010। अब ये m की पावर n क्या आ जाता है, n log m, right? तो ये कितना -2, log 10 होता है 1, ओके, तो -0.0 × 2.03 इसको सॉल्व कर कितना आ जाएगा 1.699, ठीक है, माइनस माइनस कट गया आपको 0.02 × 0, तो क्या है मेथड हो गया ना, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, लॉग को सॉल्व किया। अगर आपके पास ln की वैल्यू सब हो तो आप की याद होनी चाहिए ln मतलब कितना परसेंट, 9%, इसके लिए वैल्यू फिक्स होती है -6.0 then 0.02 कितना होता है 9%, इसके लिए होता -3.91, 0.0 कितना होता है 97%, इसके लिए कितना आएगा -3.50, ln 0.04 कितना होता है 90%, इसके वैल्यू फिक्स है -3.25, ठीक है। पहले ही यहाँ पे एलन को सॉल्व करके डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू देते तो हमें ये नहीं करना पड़ता ना, तो क्या आ जाता है -0.02, 98% के लिए देखो ये -3.9 आंसर भी। तो ये स्टेप्स जाते समझे, या तो 90% के लिए आएगा 90 के लिए 96 के लिए, तो दिस वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईएसपी का क्वेश्चन बहुत के पेपर के लिए, तो इसलिए इसको अच्छे से याद करके जाना होता है, राइट, हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि चीज क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो, तो क्या है 100 सैंपल है पेपर इंडस्ट्री एफ का जो कि
है डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में हमें पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्पेल कंपाउंड, क्या होता है बैक टाइट्रेशन मेथड से, ठीक है, इतना हो रहा है, इतना कंज्यूम हो रहा है केमिकल ऑक्सीडेशन में, तो सीओडी निकालने में क्या होगा, हमें सीओडी का किए एम पर लीटर कौन से चलेंगे तो हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना MgO2 पर लीटर, ठीक है। अब तो हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 कितना होता है 14 ग्राम, कितना होना चाहिए 8 ग्राम, ओके। आपको कि मॉलिक्यूलर वेट को से डिवाइड कर देते हैं इक्विवेलेंट वेट आता है, तो ये आपको पता होता है कि कंपाउंड का केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। नाउ 14 ग्राम ऑफ K2Cr7 इज रिएक्टेड विद 8 ग्राम। हेलो, हाँ सर, सर एक्चुअली हमें बताया कि ये फिक्स्ड रहेगा क्या, ये K2Cr2 का वैल्यू 49 ग्राम्स, जो हम सीओडी करते हैं 2O7 और ऑक्सीडेशन O7 ऑक्सीडेशन होता है, तो ये वैल्यू है कहीं नहीं, ओके सर, ठीक है। जो डिजिट चेंज होगी ना इतने मोल में कंज्यूम चेंज होगा बस, तो आप पूरा अभी मैं बता दूंगा एक स्टेप आप कमिट कर सकते हो ना 48 ग्राम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ये हट बता मोल मेथड, तो ऑफ K2Cr2O7 इज रिएक्टिंग विद 8 ग्राम, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जब मैंने बताया था ना मोल कॉन्सेप्ट, तो मैंने बताया था कि इतना हो रहा है इतने से, ओके। नाउ 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ K2Cr7 is 849 ग्राम ऑफ O2, राइट। अब हमारा मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पता है कि 1 मोल होता है 294 ग्राम ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। K2SO होता है मॉलिक्यूल ग्राम, ठीक है। उसके लिए कितना लग रहा है by 49 into 294 of O2, ठीक है, yes. Right? आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4799 ग्राम ऑफ की इक्विवेलेंट है 48 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया, आपको पता चल कितना ग्राम ऑफ O2 चाहिए 48 ग्राम, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करना, ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। नाउ अब कितने मोल के है वो निकालना है, नाउ 5-4 मोल ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। तो 48 हमें पता ही है, एक के लिए इतने मोल के लिए कितना हो जाए 48 × 5/ तो कितना आ गया 0.024 ग्राम ऑफ O2 ऑफ ग्राम ऑफ O2 में आया ना, ठीक है। कितने ml में चाहिए हमें 5 ml में, राइट। तो उस हिसाब से हम उसको अब देखो गिवन कितना है 0.024 ग्राम ऑफ O2 कितने में आपको लिखा 100 ml में। अब 100 ml से हमें क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना है लीटर में, तो बस चेंज करो 0.024 ग्राम टू mg करें
1000 mg, ठीक है, ग्राम से mg, क्योंकि हमें mg वोल्ट पर लीटर तो मैंने ग्राम दिया, नीचे 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करेगा 1000, यस सर, ओके, नाउ ये क्या, ठीक है, तो कितना आ गया, 1 2 3 4, चार डिजिट के 240 mg O2 पर लीटर, ठीक, इजी है, बस आपको याद रखना है 48 से जो भी है मल्टीप्लाई करें, और जितने लीटर में पूछा है, जितने में पूछा है उसको डिवाइड करना है, और यूनिट को में रखना है कि यूनिट क्या पूछी है, उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ आपकी आवाज, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो, अंकिता आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सुन पा रही हूँ, सर ने म्यूट किया हुआ है। So, in COD, हम ऐसे भी निकालते हैं ना, 1.25 into BOD? हाँ, वो जब BOD दिया होगा तो तब वैसा, हाँ, BOD से निकालना होगा। हाँ, जब BOD होगा आपके पास तो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से एक्सप्लेन कर दो। अच्छा ठीक है, जो पता है कि प्रिंसिपल O7 का ऑक्सीडेशन, ठीक, O7 कंज्यूम होगा, ओवरऑल हमें उतना मिलेगा कि उसमें कितना मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक। तो इस हमें पूछा गया था Mg plus O2 लीटर निकालना है, ओके? तो हमने क्या निकाला, कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व किया, तो हमें पता है कि कितना O2 का ये निकालना है, कितना ग्राम ऑफ Mg ऑफ O2 कंज्यूम हो रहा है पर लीटर। इसके लिए हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2O7 कितना होता है, ग्राम, इक्विवेलेंट O2 कितना, ग्राम ऑफ Ca2O7 कंज्यूम करने के लिए 8 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो 1 ग्राम कितना होगा, 8, ठीक है। अब हम मोल पे आ जाए, हमारे क्वेश्चन में मोल दे रहा है, ठीक है, 1 मोल में कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ 294 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 में कितना ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड होगा, 1 ऑफ K2Cr2 हमने निकाल लिया 8/49 ग्राम O2 इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो 1 मोल में कितना होता है उसका एटॉमिक मास, तो 294 में कितना होगा, 8/49 into 294 ग्राम ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड, जो कि फिक्स 48 ग्राम ऑफ O2, तो यहां तक तो ये फिक्स हो, जब भी हमारे होगी तो 48 ग्राम O2 रिक्वायर्ड होगा। अब हमें कितना मोल बनाना है, 5 और माइनस तो था इनटू में, एक के लिए कितना है,
मोल के लिए 48 है, तो इसके लिए सिंपली यूनिटरी मेथड 48 इंटू 5 बाय 10 की पावर मतलब 10 की पावर 4 इतना पूछा गया है, समझे हो ना ये क्या किया है मैंने, तो कितना है 0.02। ठीक है, अगर आपको पे कुछ भी दिया होता है 10^-63 ग्राम से या फिर कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है 48 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन में गिवन क्या है कि O2 पर लीटर निकल, ठीक है, और आपको कितना सोल्यूटेबल में बनाना है 1000, तो 100 ml से हमने डिवाइड कर दिया, 100 गिवन है ना, गिवन इन 100 ml, तो 100 ml से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास 0.024 ग्राम ऑफ O2 इन, राइट, हाँ, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है mg पर लीटर, तो ग्राम को mg में कन्वर्ट करने के लिए था, ml को 1000 लीटर से डिवाइड, ठीक है सर, कटिया कितना बचा 0.024 into 1000 जो कि आ जाएगा 24 mg O2 per liter। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो लाइन का क्वेश्चन, समझ आया? ओके गुड, अगला क्वेश्चन देख, सैफ तैयार, सैफ हेलो सर, हाँ कैसे हो, तैयारी कैसी है सर? तैयारी सर ठीक ही है, ठीक है सर, ओके सही है, अच्छे से पढ़ दो, चेहरा निकालो फिर कश्मीर आते, बिल्कुल पढ़ रखा है सब कुछ, पढ़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है सर, किसी ने कुछ नहीं कहा। सर उसका रिजल्ट कब आएगा सेट का? सेट का रिजल्ट, सेट का रिजल्ट तो आ जाना चाहिए, काका कुछ अपडेट नहीं है कि देखी थी क्या उसकी? नहीं नहीं नहीं, मैच नहीं करी, टाइम ही तो ना, आपने कर लिया? यस सर। तो 50% ज्यादा आ रहे हैं सर? आ रहे 50% ज्यादा, पता नहीं अब कट ऑफ कितना हो जाएगा। वैसे तो टिकट तो जन आप उसमें आते होंगे ना कुछ, तो वो आपको कंसर्न मिला होगा ना 67 एक्चुअली सर, पेपर 2 में जो है 67 क्वेश्चंस ये जो है ठीक हुए हैं एंड की के हिसाब से, एंड पेपर फर्स्ट में 30-35। ओके ओके, 67-30-35, नाइस, तो आपने 67 पेपर 2 में। ओके, तो टोटल ओवरऑल कितना बन गया सर? 100 कुछ है सर, पता नहीं अभी याद नहीं है, लेकिन 50% ऊपर है। देखो ये को थर्मल पावर प्लांट यूनिट करता है इतने रेट स्टैक किए, इतना क्वेश्चन को देख के पता चले हमें क्या निकालना है, ग्राउंड कंसेंट्रेशन जब निकाल है, बताओ गॉसियन फ्लो मॉडल, राइट?
यस सर, किसी एक फॉर्मूले लगा क्वेश्चन में सी एक्स वाई ओ कंसंट्रेशन, चलो जिसको जिसको निकाल, सोहिनी एंड अर्श को निकालो, देखो तो हमें पता है कि एक्स वाई और जेड कंसंट्रेशन के क्या होगा, 1/5 सिग्मा वाई सिग्मा जेड माइनस वाई स्क्वायर। इसका आंसर शायद गलत है बुक में ऑप्शन, क्या मैंने पहले किया था तो इसका ऑप्शन शायद गलत है सर। हाँ गलत है, पता नहीं इसका आंसर जो आएगा ठीक, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग तो करो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेड रेट एमिशन इन एक्स डायरेक्शन वाई स्टैंडर्डाइजेशन इन वाई डायरेक्शन स्टैंडर्डाइजेशन इन जेड डायरेक्शन डिस्टेंस अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पेंगुइन जेड के डिस्टेंस अलॉन्ग एक्सिस स्टैक। सर इसके लिए फिर हमने दूसरी फॉर्मूला लिखी थी ना वो शॉर्ट में जो थी। हाँ शॉर्ट है फॉर्म के लिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ये नहीं होगा ठीक है। यस सर, और लेगनेट कर देना कि वाई का कोऑर्डिनेट्स वन नहीं होता तो वाई कोऑर्डिनेट वन हो जाती है। अब जो न्यूमेरिकल करना है अब ऐसे सॉल्व करो सिंपल u by u, 1 by sigma, y sigma z, और y को भूल जाओ। नहीं आया u by u, 1 by sigma, sigma y by sigma z, minus s का 2 sigma y, ये वाला कट गया, हाँ तो e, h square y, 2 सिग्मा होता है ना पैरामीटर 1 नहीं होता। यस सर, 1 ना हो किसी भी न्यूमेरिकल में उसको 1 लो या निगलेक्ट कर दो ना उसको सॉल्व सिंपली जो चला हुआ है क्या आ जाए 500 × 10⁸ पर नहीं लिख रहा आप देख लो इनटू 1.1 × 8 × ठीक है अंकिता गिवन सब हुआ है मैं बस डाल रहा हूं e minus 2 into h का square ये इसको क्वेश्चन में दे रखा था ना माइक्रोग्राम पर सेकेंड तो इसको सॉल्व करो ठीक करो अपने अपने पे सॉल्व करो और बताओ इसको क्या बचेगा अपॉन 10 × 8 × 35 टू ई की पावर माइनस नाउ मैंने ई की पावर
याद कर लेंगे माइनस 0.5 होता है, माइनस 0.1 होता है, 0.3 इसका हाफ फोर, ई माइनस 3 कितना होता है 0.0, और ई माइनस 4 कितना होता है, कितना होता है 0.02। यस याद है आपको, तो आ जाएगा इनटू सॉल्व करोगे 25 कट जाएगा ऊपर वाला टर्म, कितना आएगा 4 × 10^4। ठीक है, 100 ले लेंगे, 100 लेंगे इनटू 10 तो 4 × 10^4 × 0.6 कितना 2.4 × 10^4, आंसर कितना आएगा 2400 माइक्रोग्राम पर, राइट। सर ऑप्शंस के हिसाब से तो नहीं है ना कोई इसमें से? नहीं, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ओके, आगे ना समझ सर, इसमें हमें कांस्टेंट क्या लेना है? गॉशियन प्लूम जो है लाइक ये फ्लैट टेरेन पे, मतलब ये कब होगा ये और के वो? अच्छा तो आप गॉशियन प्लूम पर कांस्टेंट क्या लेना है? कुछ नहीं, सब तो गिवन है, जो बस पाई कांस्टेंट है, सिग्मा दे रखा है, सिग्मा जेड है, और सब गिवन है आपको, बस लगाना है सर। ये बस जस्ट इंसॉल्व, ठीक है। अभी देर बाद हम रिडॉक्स पढ़ेंगे, तो 10-15 मिनट्स का ब्रेक। पोटेंशियल समझना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस, ओके, मोस्टली इन वेटलैंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये ना, अगर पोटेंशियल को शो करते हैं पी, जितना मैं बता कौन पी मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, पी हेलो हेलो सर, क्या होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन क्या इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी वैल्यू ज्यादा तो मतलब सैंपल में ज्यादा है, पी वैल्यू कम तो उसके सैंपल में ऑक्सीजन कम है। ठीक है, पी 10 to 20, ठीक है, पी जो जनरली रेंज होती है सैंपल में वो -5 हो, लाइकवाइज हमारा वेटलैंड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, नीचे क्या ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन, और ऊपर क्या होगा ऑक्सीजन,
ठीक है, तो ऑक्सीजन मोर पी विल बी मोर, और यहाँ ऑक्सीजन लेस विल बी लेस, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ का क्या रिलेशन है पीएच के साथ, मैं आगे बता रहा हूँ। इतना समझ आया पी का, समझ आया ऑक्सीडेशन और साथ। अब नेक्स्ट आते हैं हम एसिडिक एसिड कंडीशन। अगर एच प्लस ज्यादा होंगे सैंपल में तो एसिडिक, तो पीएच क्या हो जाएगा, एच प्लस आयन ज्यादा एसिडिक पीएच कम, उस केस में पी वैल्यू विल बी मोर, ठीक है। मतलब एसिडिक सैंपल में पी वैल्यू विल बी एच प्लस आयन ज्यादा पी वैल्यू विल बी मोर, एच प्लस आयन कम क्या हो जाएगा बेसिक पीएच ज्यादा, ठीक है। तो पी विल बी बेसिक कंडीशन में पी डिक्रीज कम, ओके। तो सिंपली इसका सारा हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो क्या होगा पी ज्यादा, अगर ऑक्सीजन वैल्यू कम होगा तो पी वैल्यू, एक कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन एच टू मॉलिक्यूल तो पी वैल्यू विल बी लेस, ठीक है, उल्टा हो गया। ऑक्सीजन का एच टू ज्यादा मतलब वैल्यू विल बी लेस, और एच प्लस ज्यादा मतलब एसिडिक कंडीशन पीएच कम, तो क्या होगा पी विल बी ग्रेट। तो मतलब इंटर रिलेशन करके आप सब कुछ याद कर सकते हो, समझ गए ना। तो एच प्लस आयन से कॉन्सेप्ट बन जाते हैं और से ये कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको बताना है कि मोस्ट रिड्यूसिंग वाटर कौन कौन से है, मोस्ट रिड्यूसिंग वाटर सैंपल P15, P12, P7, फोर्थ इज P5, मोस्ट मोस्ट रिड्यूसिंग कौन सा होगा, 15 होगा ना सर, नहीं नहीं मोस्ट रिड्यूसिंग मतलब पी सबसे कम जिसका 5, ऑक्सीडाइजिंग सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग सैंपल तब होगा पी वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा, भी लिखवाया था ना। रिड्यूसिंग सैंपल का क्या होता है, रिड्यूसिंग मतलब लॉग लैग, हेलो हेलो हाँ हेलो सर हाँ सर आया मच में क्वेश्चन आपने पूछा, मैंने आपको क्वेश्चन ये बोला कि विच सैंपल हैज मोस्ट रिड्यूसिंग मोस्ट रिड्यूसिंग वाटर, ठीक है। अगर मैं आपको बोल तो क्या आ जाता पी 15 तो पी वैल्यू 15। हेलो समझ आया, हाँ सर हाँ सर, डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत, ठीक है। तो व्हाट व्हिच वाटर सैंपल है मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन हम बता दो, D21 है, 21 होगा, P ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना,
है ठीक। तो यही था रिडॉक्स पोटेंशियल, उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको बस और सारे क्वेश्चन मोर और लेस बनाना ठीक है। और सर वो पेपर क्रोमैटोग्राफी का कुछ क्वेश्चंस मिला? पेपर क्रोमैटोग्राफी का मतलब देखो कौन सा गैस मीडियम, कौन सा लिक्विड मीडियम है और क्या एप्लीकेशन है, बस इतना याद रख कि इसका क्वेश्चन ना भी आए, इसलिए इस पे ज्यादा डिटेलिंग मत चैप्टर याद रख। और एक मैंने आपको ये पढ़ाया था पार्टीशन कोफिशिएंट, याद है पार्टीशन कोफिशिएंट केसी, केसी इज इक्वल टू पार्टीशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन आ रहा है आजकल, केसी को कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट एक जो वन से नीचे होना चाहिए ठीक है, और एक है पार्टीशन कोफिशिएंट सीएस बाय सीएल, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी एप्लीकेशन और बस कौन सा मीडियम हो आधा उसमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आएगा और जो आएगा बन जाए कंसेंट्रेशन। सर एक बार पार्टीशन कोफिशिएंट बोल दीजिए ना, शायद नहीं आ रहा मेरे को। सीएस बाय सीएम क्या होता है? ये लिखा हूं मैं, कंसेंट्रेशन अलाइड इज इन स्टेशनरी फेज, सीएस इज इन स्टेशनरी फेज क्या कंसेंट लाइट मोबाइल फेज इज इन मोबाइल ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस पर हॉट। और सर वो कभी हाँ सर बोलो बोलो। हाँ वो कंपैरिजन देता है ना, दो दो तरह की सॉल्वेंट दे दिया और फिर कहा कि कौन सा ज्यादा एक मिला था एक क्वेश्चन कि कौन किसका मोबाइल पे ज्यादा है या फिर ऐसा कुछ था, पहले नंबर 2014-13 में आया था मैंने ग्रुप यह दो तरीके आप क्वेश्चन भेजे मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा है ना उसका? नहीं नहीं अभी अभी मतलब हाँ हाँ नहीं इसका अभी क्लास शुरू होने से पहले भेजा है मैंने ग्रुप को। भेजा है ग्रुप पे कोई क्वेश्चन कहाँ भेजा है? भेजा मैंने सर ईवीएस ऑनलाइन उसमें तो भेजा है मतलब 848 को भेजा है आपने, इसलिए नोटिफिकेशन दिया है। ये जो डिमांड दो सिलेबस से जा चुका है क्या? ओके हाँ और ये भी 2014 वाले और जो इसका आंसर है 150 वाला 152 का भी मिक्सचर जो 7 है वो नहीं आएगा, वो सिलेबस से हट चुका है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड और इसका सॉल्यूशन मतलब नहीं है। मिक्सचर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एक्स वाई स्क्वायर सेपरेटेड यूजिंग ओके ऑर्गेनिकल प्रेजेंट ऑफ प्रोलिस ये 10 एम वाला क्लोरीन देखो ये कब का क्वेश्चन है 56 वाला, ये क्वेश्चन ही गलत है 150 वाला क्वेश्चन गलत
एक्चुअली पहले पुराने साल की वीक लिया था तो टाइम मिल गया था, तो फिर देखा तो फिर ये मिला। छोड़ दो अभी ये वाले क्वेश्चंस, बस से ऑमिट हो चुके हैं दो में, जो भी नया सिलेबस आया ये सब जा चुके हैं। तो ये मेन वाला क्वेश्चन गलत है एक्चुअली में, ये याद थ्री का मोल में कितना होता है, ठीक है? अगर जितने का भी पूछ रखा हो मोल निकाला उससे, अगर ग्राम दे रहे जैसे सपोज करो 10 ग्राम दे रखा है आपको, ठीक है, तो 10 ग्राम में उसका क्या आ जाएगा मोल, ठीक है, मोल इनटू एवरेज नंबर कर दोगे उतना आंसर आ जाएगा। इसमें इन्होंने एम एल दे रखा है वो क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन ऑमिट हो गया था, तो इस ये पहले बहुत छोड़ थ्योरेटिकल ऑक्सीजन नहीं करना, माना होता तो मैं करवा देता, ठीक है। अभी जो भी है उसके बाद से क्वेश्चंस को ही दिमाग में, ठीक है, पुराने वाले अपने कुछ की बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, और अभी कुछ डाउट हो इन बिटवीन मतलब आप मुझे भेज सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है अभी। ओके अच्छा रिवीजन करो, गुड लक फॉर एग्जाम, ठीक है, कुछ पर्सनली भेज देना, कोई चीज होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, कोई नहीं, आई वांट जेआरएफ फॉर्म मतलब आपके साथ, और अच्छे से अपने पे बाय बाय सर, गुड नाइट।